नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो चाइना से आ रही है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग 2011 के बाद जब से सत्ता संभाला है तब से उनका पहली बार विदेश दौरे का पुष्टि हुई है। और इस खबर की पुष्टि करते हुए चीन के सरकारी न्यूज एजेंसी सिनयाहो ने कहा है कि किम ने अपने वादे को दोहराया है कि वो अपना परमाणु प्रसार रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। और किम के आश्वासन के बाद चीन ने भी भरोसा दिलाया है कि उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध और भी मजबूत किए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस खबर पर पिछले 3 दिनों से पूरे दुनिया में हलचल मचा हुआ था कि बख्तरबंद ट्रेन में आखिरकार चीन कौन आया था। और इस खबर की आज पुष्टि होने के बाद ये भरोसा जताया जा रहा है कि अब उत्तर कोरिया के तानाशाह अमेरिका से भी बातचीत करने को तैयार हो चुका है। और एक तरह से अब इस खबर को अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच शांति वार्ता को हवा देने वाला माना जा सकता है। और मिड डे की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के निजी यात्रा पर गए पाकिस्तान के पीएम अब्बासी की वहाँ के एयरपोर्ट पर आम लोगों के तरह बर्ताव किए गए और उनके कपड़े उतरवा कर उनकी चेकिंग की गई। और इस चेकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के प्रति काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि यह पहला वाक्या है जब किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित करके उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई हो। और मिड डे की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला का आसार है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि यहाँ से जनता दल सेकुलर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस राज्य का एक बहुत बड़ा खेमा ऐसा है जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को समाज सुधारक के रूप में मानते हैं और उनका बेटा वर्तमान में जनता दल सेकुलर का कमान संभाले हुए है और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इस मजबूती का कारण इतना ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी BSP ने भी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन करके वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि वहाँ से कांग्रेस या BJP को पूर्ण बहुमत आसानी से मिल जाएगी, यह आकलन सही नहीं होगा। और मिड डे की जो चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है CJI दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग को लेकर। जी हाँ, NCP ने CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि समस्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी सहित और भी कई विपक्षी पार्टी कर रहे हैं। और मिड डे की जो पांचवी सबसे बड़ी खबर है वो क्रिकेट को लेकर है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कमेटी ने बॉल टेम्परिंग मामले में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और ब्रेन क्राफ्ट को सस्पेंड कर दिया है, जबकि कोच लेहमन को क्लीन चिट दे दिया गया है। और ये थी अभी तक की सबसे बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।